खरगोन जिले के बरूड क्षेत्र के किसान इस वर्ष जहां प्रकृति की मार से अपनी उपज का सही उत्पादन नहीं प्राप्त कर सके, वहीं शासन प्रशासन के द्वारा मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। जहां कई किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिल रही, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई फसल नुकसानी का मुआवजा भी क्षेत्र के किसानों को नहीं प्राप्त हुआ। इस संबंध में आज टांडा बरूड़ ग्राम पंचायत में क्षेत्र के पटवारी विकास राठौर से कई लोगों ने शिकायत की। पटवारी द्वारा लोगों को बार बार तहसील कार्यालय भेजा जाता है कि आप लोग वहां जाकर पता लगाएं, परंतु तहसील कार्यालय जाने पर आमजनों को वहां के अधिकारी पुनः पटवारी के पास भेज देते हैं। आपस में तालमेल न होने के कारण पटवारी महोदय द्वारा आम किसानों को अनर्गल बातें एवं शिकायत करने की धमकी देते हैं और आम जनता को वह अक्सर अपनी भाषा शैली के माध्यम से यूं ही बोलते हैं कि आप जाइए मेरी उच्च अधिकारियों को शिकायत कीजिए। बरूड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। तिवारी जी, लोगों को किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिल रही है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? उसके लिए जो पटवारियों के पास जो ID था, उस ID पे जितना रिकॉर्ड किसानों ने अपना दे चुके हैं, उनके हमने सारे खाते अपलोड कर दिए हैं। आप कृषकों को तहसील के चक्कर कटवाते हैं और तहसील वाले पटवारी के चक्कर कटवाते हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, चक्कर वाली कोई बात नहीं, जो भी उसमें समस्या है वो ऑनलाइन ही निराकरण हो रही है आजकल। आपने कल एक अपांग को कह दिया कि BPL की योजना में मेरे अंडर में काम नहीं है जी, ये तहसीलदार के अंडर में काम है। BPL के संबंध में जो निर्धारित प्रारूप है, जिसमें जितने बिंदु दिए हैं, उन बिंदु की जांच होती है और उसके आधार पर उसके पात्र पात्र का निर्धारण होता है। आपने कल भी बताया था कि आप जाओ मेरी शिकायत करिए, ये तो मनगढ़ंत बात है। क्या नाम है आपका? विकास। सर, मैंने आवेदन करा, पटवारी जी के पास आवेदन लेके आया, पटवारी जी ने ना तो मेरा घर देखा ना देखा, टेबल पे बैठे बैठे टिक मार्क लगा के अनुमानित उनके मन से 21 से 22 अंक दे दिए मेरे को। उनको मैंने बोला कि आप मेरा घर देखिए, स्थिति देखिए, उसके बाद बात करिए, तो भी उसके मन से उन्होंने उनके मन से टिक मार्क लगाते गए टेबल पे बैठे बैठे। क्या पटवारी जी ने आपसे राशि वगैरह की भी मांग की? हाँ, पटवारी जी ने मेरे से राशि की, थोड़ा मेरे को लग रहा है कि वो पैसे की बात मेरे से थोड़ी कर रहे थे। तो BPL आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो आप उनको मालूम, कितने देते हैं अपन, उसके बाद बनता है कि नहीं बनता है। तीन बार पटवारी साहब से संपर्क कर चुका हूँ और मैंने बोला भी उनको कि हमारे पास अभी तक खाते में पेमेंट नहीं आ रहा, लोगों की तीन तीन किस्तें आ गई, हमारे खाते में अभी तक एक भी नहीं आई। तो वो बोल रहे हैं कि मैं हमारी ID बंद हो गई है, तहसीलदार साहब की ID से पता चलेगा, आपको तहसील में जाना है, तहसील में जाओ तो वहाँ कोई मिलता नहीं, या फिर सीधे बात नहीं करते, वो पटवारी का हवाला दे देते हैं। पटवारी से जानकारी नहीं लगी हमारे पास, इसकी कोई खबर नहीं है इस संबंध में। फिर वो डबल मैंने उनको एक बार और कागज दिए, बोले ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन भी चेक कर चुका हूँ, लेकिन सम्मान निधि अभी तक नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वीरेंद्र पन्नालाल गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।